लौकी को तेरे कुर्सी पे बहुत प्यार है। तेरे को लगता है कि कुर्सी तेरे है, तो ये तेरे गलत फहमी है। ರಾಕಿಗೆ ನಿನ್ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. तो घर सोडून पळून गेला. बेंगळूर मध्ये हॉटेलात काम करू लागला. एक दिवस एका दिग्दर्शकाने त्याला पाहिले आणि खलनायकाची भूमिका त्याला मिळाली. तेव्हा वाटलेही नव्हते जो चेहरा सर्वांना भयानक वाटतोय तोच चेहरा आता मालिका चित्रपटांमधून खलनायक म्हणून सर्वांच्या समोर येईल. हुबेहूब बाहुबली चित्रपटातील कट्टाप्पा सारखा दिसणाऱ्या या चेहऱ्याला आता बेळगावचा कट्टाप्पा असे म्हणून ओळखले जात आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या KGF चित्रपटात खलनायकाची छोटीशी भूमिका बेळगावच्या आनंद कोलायाने केली आहे. याविषयी तरुण भारत सोशल मीडियाच्या प्रतिनिधींनी आनंद कोला याच्याशी संवाद साधून त्याच्या एकूणच प्रवासाविषयी माहिती घेतली. माणसाची ओळख ही त्याच्या चेहऱ्यावरून होत असते, परंतु हा जर चेहरा अत्यंत भयानक असेल तर मग समोरचा व्यक्तीही घाबरतो. परंतु जेव्हा हा भयानक चेहरा जेव्हा सेलिब्रिटी म्हणून आपल्यासमोर येतो तेव्हा त्याची ओळख जवळून करून घेता येते. बेळगावचा असाच एक भयानक चेहरा आनंद कोला जे आपल्यासमोर आता बेळगावचा एक कटप्पा म्हणून आपल्यासमोर येत आहेत. हा चेहरा जरी दिसायला जरी भयानक असला तरी त्यांचे मनातून मात्र अत्यंत सुंदर आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया की त्यांचा आयुष्याचा प्रवास हा नेमका कसा होता. सर, बेळगावपासून बाहुबलीपर्यंतचा तुमचा प्रवास कसा होता ते जरा पहिला सांगा. ॲक्च्युली कसं होतं की वहाँ पे तो तेलुगू इंडस्ट्री में या कन्नड इंडस्ट्री में या हिंदी में चले जाओ कि सबसे पहले तो ऑडिशन्स देना पड़ता है. तो फ्रेशर्स को ऑडिशन्स ख़त्म हो गया तो फिर बाद में वो एक्चुअली कैसे था कि मैं लीड में भी आ सकता था बट मेरा पर्सनैलिटी वो टाइम पे उतना ओके नहीं था. तो सबको तीन तीन साल का सबको जिमिंग का वगैरह टाइमिंग दिया गया था तो मुझे टाइमिंग वगैरह नहीं था. मैं डायरेक्ट शूट पर चला गया था. 41 डेज हम लोगों ने शूट किया उस दिन. बट हम मतलब उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दूंगा. जो काली के आते हैं ना प्रभाकर, उनके बैकग्राउंड में रहता हूँ मैं. तो पूरा ग्रीस ऑइल बिल लगा दिया था हमको, मेकअप किया था. ये बेळगावमध्ये असताना मत डायरेक्ट चित्रपटाकडे कसं वळला ते जरा सांगा मला. वो ॲक्च्युली कसं था की नॉर्मल घर पे तो बोलते ही है ना कि बच्चे स्कूल को जाओ. स्कूल तो छोड़ दिया तो मैं, तो फिर काम पे तो एटलीस्ट काम पे तो जाना चाहिए था. तो घर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो मम्मी डैडी वगैरह बोलते थे कि काम पे जा, इधर जा उधर जा. तो वो मुझे थोड़ा सा वो महसूस एक टॉर्चर जैसा होता था कि कुछ अच्छा नहीं लगता. क्या ये लोग मेरे से ऐसे बिहेव करते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ इसीलिए ऐसे बिहेव करते हैं क्या. तो उनका तो अपना प्यार होता है तो मुझे वो टॉर्चर थोड़ा ज़्यादा ही सहने लगा. तो फिर मैंने भाग के चला गया यहाँ से. 2 से 3 बार ट्राई किया तो नहीं हो सका सक्सेस. तो थोड़े दिन के बाद मैं निकल गया. तो फिर मैंने बैंगलोर चला गया वहाँ से. कधी कधी हे छोटे क्षण सुद्धा कोणाला तरी खूप आनंद देऊन जातात. गेल्या 2 दशकांपासून 1 लाखाहून अधिक ग्राहकांचे आयुष्य समृद्ध करणारी लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सातत्य निरंतर. बेळगाव मधून तुम्ही बेंगळूरला पळून गेला, म्हणजे काहीतरी वेगळं काहीतरी करायचं होतं, काहीतरी वेगळं होतं. बेंगळूरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय तिथे फेस करावं लागलं बेंगळूरला जाऊन. ॲक्च्युली कसं येतं की जो लोक सोचते की जाते ही उधर काम मिलेगा, जाते ही पैसा मिलेगा, सब कुछ गलत है. ऐसे कुछ भी नहीं होता. जब तक आपको काम नहीं मिलेगा आपको साइकिल मारना ही वहाँ पर. तो मैं मेरे पापा के पॉकेट से चुराया था कुछ 2000 रुपीज़. वो 2000 रुपीज़ लेके मैंने कुछ 6 महीने निकाला वहाँ से. तो मुझे 10 रुपये का खाना मिलता था एक जगह और वहाँ पर खाता था. तो एक 40 रुपीज़ वाला लॉज मिलता था. लॉज मतलब एक हॉल होता है, वहाँ पर एक बेड देते हैं. वो लॉज इतना भयंकर था कि एक पानी का बोतल भी रख दो सुबह उठ के देखो तो नहीं था उधर, उतना डेंजर था. तो वहाँ पे रह लेता था मैं. वहाँ पे रह के थोड़ा काम वाम ढूंढता था. काम भी ऐसे ढूंढता था कि ज़रूरत नहीं है, पैसे है ना जेब में. और फिर वैसे ढूंढता था. तो फिर थोड़े दिन के बाद में पैसे ख़त्म हो गए. ख़त्म होने के बाद में फिर सीरियसली जाके काम पूछना शुरू कर दिया कि सर होटल्स में जाता था कि काम है तो दे दो, मुझे पेमेंट वगैरह नहीं देना, कि मुझे रूम दे दो, खाने के लिए थोड़ा सा खाना दे दो बस, कहें तो एक जगह सो जाऊंगा. तो कैसे कि वो लोग सीधा बोलते थे कि तेरा शक्ल देखे क्या तो कस्टमर आएगा हमारे होटल में, ऐसे बोलते थे. तो फिर बाद में थोड़े दिन साइकिल चलाया ऐसे ही. खताल नाम का एक दोस्त था हमारा, बंदा उधर रहता है, तो उससे जाके मिल कुछ बनेगा. तो फिर ठीक है बोला. तो नंबर निकाल के देते. तो मैंने कॉइन बॉक्स में फ़ोन किया उनको. वो बोला कि आओ. अच्छा, उनका रेड चिलीज़ नाम का होटल था,
वहाँ पे मोमोज जब बेचता था ना, तो वहीं पर एक धारावाहिक सीरियल के एक असिस्टेंट डायरेक्टर आए थे, जो पहले हुआ करता था यहाँ पे भी आता था, अम्मा नाम का सीरियल आता था, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो वो इंसान ऐसे बात करता था, तो मुझे मतलब अभी हम लोग को भी नॉर्मली कोई फिल्म स्टार आएगा, कोई डायरेक्टर आएगा, कोई भी आएगा, तो फिल्म वाले मतलब कि थोड़ा सा चौंक के देखते हैं हम लोग। तो मैं भी ऐसे ही देखने लगा, तो फिर उन्होंने वो ऐसे देखा मुझे कि मैंने उसके बगल वाला बोला कि ये चलेगा कह रहे, अरे चोर जैसा दिखता है ये, इसको कहाँ से शूटिंग। तो फिर मैंने मेरा उसका थोड़ा बातचीत हुआ। तो फिर उन्होंने एक्चुअली कैसे था, वो सीरियल को एक्चुअली ख़त्म कर रहे थे, तो अभी हीरोइन का तो मर्डर करना पड़ेगा ना, तो रेप करके उसको मारना था। तो मैंने उनसे बातचीत की, अच्छी तरह बात किया, तो फिर मैंने वो चांस मुझे मिल गया वो टाइम पे, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गया। सर एक छोटे छोटे पिक्चर करता करता KGF सर का एक बिग बजट पिक्चर तुम चढ़ गया सकाला। KGF का कैसे था कि कोलार में शूटिंग चल रही थी, वो ईयर तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हम लोगों ने कुछ 3.5 ईयर पहले मैं गया था ऑडिशंस के लिए, गया था ऑफिस को। तो ऑडिशंस मेरा एक्चुअली कैसे था कि टैलेंट कि 100 बंदों को खड़ा रख दो, डायरेक्टर ऐसे करके मुझे ही उठाएगा वहाँ से। तो उतना भयंकर दिखता था मैं, टकला वकला करके, दाढ़ी वाड़ी छोड़ के। प्रशांत नील सर मुझे देखा, इसको मेकअप की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही काम करवा बोला, या ऐसे ही भयंकर दिखता है तो ऐसे ही काम कराने के लिए। तो ठीक है बोला, मेरा भी दिल में फिर लड्डू वगैरह फूटने स्टार्ट हो गए। तो KGF जैसे पिक्चर में चांस मिला, बहुत अच्छा लगता है कि अभी KGF रिलीज़ हो गया, इतने दिन अच्छा चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में रिलीज़ हो गया है। आज किधर भी जाता हूँ, मैं परसों भी बैंगलोर गया था, फिर बाद में परसों राजस्थान गया था, बॉम्बे गया था, तो मुझे बेलगाम कटप्पा के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ से हूँ और मुझे मेरे गाँव से जानते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता कि मैं बेलगाम से हूँ। सर आता तुम्ही कन्नड आणि त्याचबरोबर हिंदी पिक्चर करताय, आता कुठले आणि भाषेतले तुम्हाला पिक्चर आलेत काय? अभी एक्चुअली मैंने पहले कन्नड़ा स्टार्ट किया, तमिल किया, फिर बाद में हिंदी में भी चांस मिला था, बट इधर यहाँ पे बिजी था, तो फिर दो काम एक ही बार नहीं कर सकते। लमानी भी किया है मैंने, लमानी किया है, भोजपुरी किया है, फिर मैंने अभी मराठी कर रहा हूँ। सर आम्हाला आवडेल की तुम्हाला एक मराठी डायलॉग, म्हणजे मराठी तुम्ही तर तुम्ही म्हणताय की एवढं पक्कं येत नाही, मग कसं काय मराठी डायलॉग शिकलाय? तो अभी ये हम जो कर रहे हैं, तो बड़े आर्टिस्ट भी हैं इसमें, हमसे भी सीनियर्स, बहुत बड़े बड़े सीनियर्स हैं। तो फिर हमको कैसे कि एक बंदा दिया जाता है कि उनके लैंग्वेज, उनकी स्लैंग वाला, तो ये सातारा वाला लैंग्वेज है, तो उनका स्लैंग भी थोड़ा सा अलग होता है, ये बेलगाम वाला मराठी अलग है, तो मुझे वहाँ का मराठी सीखना था, तो फिर बाद में उन्होंने एक बंदे को भेज दिया था। सर याच्यामध्ये तुमची मराठी कशी असणार आहे आम्हाला एक झलक दाखवू शकाल काय? अरे परश्या, अरे जास्त बोलायचं नाही काय आणि थांबायचं पण नाही, अगं कानाखाली लावणार ना पळायचं, हां चला निघायचा, ले गाडी काढ रे। सर आता तुम्ही मराठीतला डायलॉग सांगितला, पण KGF सारखा एक बिग बजेट पिक्चरमध्ये तुम्ही काम केला, त्यातला एखादा डायलॉग आमच्यासाठी चालेल? है मेरा ही डायलॉग आहे उसमें, ರಾಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಹುಬಲಿ KGF ಸರ್ಕ ಚಿತ್ರಪಟನ್ಮದನ್ ಆಪಲ ನಶೀಬ್ ಆಜಮಾವಲ ನಂತರ ಆತ ಬೆಳಗಾವ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಪಟನ್ಮದೇ ಪದಾರ್ಪಣ ಕರತೆ ತ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಲ ತರುಣ ಭರತ್ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಶುಭೇಚ್ಛಾ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಲ್ಕರ್ಸ, ಸುಶಾಂತ್ ಗುರಂಗಿ, ತರುಣ ಭರತ್ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಬೆಳಗಾವ್. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चैनल आणि ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.